बीजेपी नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले रही है। सुशील मोदी पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है, अगर सुशील मोदी यहां होते तो शायद ऐसा ना होता, यह कहा नीतीश कुमार ने। यानी वो कह रहे कि सुशील मोदी अगर होते तो शायद यह परिस्थिति नहीं आती। तो नीतीश को लेकर सुशील मोदी के मन में क्या है, सुनाते हैं आपको। दो दो बार धर्मेंद्र प्रधान आए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, नहीं सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक सरकार गिरने के एक दिन पहले हमारे पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने दिल्ली से फोन किया कि नीतीश जी सब ठीक तो है, बोला सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा कि ये ललन सिंह का बयान आ रहा देख रहे हैं टीवी पर, तो कहा कि जैसे आपकी पार्टी में गिरिराज सिंह है वैसे हमारे पार्टी में ललन सिंह है, आप इन बयानों की चिंता मत कीजिए। फिर कहा कि भाई आपके बहुत सारे और नेताओं का भी तरह तरह का बयान आ रहा है, बोला अरे नेता लोग हैं, प्रवक्ता हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो, तो कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल। और अब कह रहे हैं कि मुझे अपमानित किया जा रहा है, क्या अपमानित किया आपको, आप ही बता दें क्या अपमानित किया, बताना चाहिए ना, एक शब्द बोल देने से तो नहीं होगा। तो सिर्फ मित्रों तो सरकार बन गई, पार्टी ने जो कार्यक्रम घोषित किया उस कार्यक्रम के अनुसार हम काम करेंगे। तो पहली बात कि ये नरेंद्र मोदी का अपमान है, ये बिहार के अति पिछड़ों का अपमान है, और बिहार का अति पिछड़ा अगले चुनाव के अंदर एक एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में देकर इसका बदला लेने का काम करेगा। तो देखिए, जिस नीतीश कुमार के को जिस सुशील मोदी को लेकर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर सुशील मोदी होते तो यहाँ ये वो परिस्थिति नहीं होती, वही सुशील मोदी कह रहे हैं कि हमने तो कोई अपमान किया ही नहीं है। तो नीतीश जी ने अपमान किया नरेंद्र मोदी का, बिहार के लोगों का अपमान किया।